हेलो नाइन्थ क्लास, कल हमने कंप्लीट कर लिए थे ये क्वेश्चंस। रेन ऑन द रूफ के समरी रह गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किने समरी। द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। जो पोएट हैं वो ट्राई कर रहे हैं करते हैं डिस्क्राइब करने का कि जब बारिश होती है वो किस तरह से फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। पोएट सिंगल है इसलिए ट्राइज है ना। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिस्क्राइब हाउ मतलब कैसे, या अभी यहाँ पे आएगा मतलब क्या महसूस करते हैं। ही फील्स, ही सिंगल है इसलिए फील्स आएगा। ऑन अ रेनी डे द पोएट स्टेट्स, स्टेट्स मतलब सेज, स्टेट मतलब सेज मतलब कहते हैं। दैट वेन एवर जब कभी इट रेन्स बारिश होती है, ही स्टार्ट्स वो करते हैं टू रिकॉल मतलब याद करना। ऑल हिज पास्ट मेमोरीज बीती हुई अपनी यादों को रिकॉल करते हैं, याद करते करना स्टार्ट करते हैं जब कभी बारिश होती है। वाइल लेइंग ऑन हिज बेड इन द कॉटेज ही लिसन्स टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। जब वो लेटे होते हैं अपने बेड पर इन अ कॉटेज अपने कॉटेज में, वो सुनते हैं पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। एज ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन ही स्टार्ट्स टू रिमेंबर हिज ओल्ड डेज। जैसे ही वो एज ही लिसन्स मतलब वो सुनते हैं उस साउंड को, रेन की पिटर पटर साउंड को, वो स्टार्ट कर देते हैं अपने पुराने दिनों को याद करना। व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब कौन से दिन याद कर रहे हैं, जब वो छोटे लड़के थे। ही रिमेंबर्स वो याद करते हैं हिज मदर्स, हिज मदर अपनी माँ को, हु इज़ नॉट विद हिम नाउ जो अब उनके साथ में नहीं है। बट हर मेमोरीज लेकिन उनकी यादें, क्योंकि उनकी माँ की यादें, विल ऑलवेज बी विद हिम हमेशा उनकी यादें उनके साथ में रहेंगी। एक बार और देख लेते हैं। द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। द पोएट स्टेट्स दैट वेन एवर इट रेन्स ही स्टार्ट टू रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज। वाइल लिंग ऑन हिज बेड इन द कॉटेज ही लिसन्स टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। As he listens to the sound of the rain, he starts to remember his old days when he was a little boy. He remembers his mother who is not with him now, but her memories, her कैसे आएगा, mother है ना इसलिए her memories will always be with him. Poem number 4, The Lake Isle of Innisfree, William Butler East, W.B. East in short. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री किसने लिखी है, विलियम बटलर ईस्ट। तो इसमें क्या है, विलियम बटलर ईस्ट लंदन सिटी में रहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इनिसफ्री। इनिसफ्री एक आइलैंड है जहाँ नेचुरल ब्यूटी है और पीस ऑफ माइंड मतलब बहुत ज़्यादा शांति से भरा हुआ प्लेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, क्यों जाना चाहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू गो, द पोएट वॉन्ट्स डज है ना इसलिए wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty and to get peace of mind। आप add कर सकते हैं and to get peace of mind, ठीक। What kind of place is Innisfree? Innisfree किस तरह का place है। Innisfree is a natural place which is full of beauty and peace. Innisfree is a natural place. ये प्राकृतिक जगह है जो कि भरा हुआ है full of beauty and peace. प्राकृतिक सुंदरता है और peace of mind. Why does the poet want to go Innisfree? ये repeat हो गया है ना, तो फिर से वही answer दे देंगे। The poet wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty and to get peace of mind. How is the city life different? सिटी लाइफ डिफरेंट बताना है कौन सी लाइफ से, फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री। कि अगर आप मतलब मान के चलिए कि लेक ऑफ इनिसफ्री में रहते हैं तो वो किस तरह से डिफरेंट होगी जो सिटी में लाइफ आप निकालते हैं। तो यहाँ पोइट हैं आपके विलियम बटलर ईस्ट, वो लंदन सिटी में रहते हैं, तो वो लाइफ किस तरह से अलग है उस लाइफ से जो कि लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में बिताते हैं। द पोइट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, जो पोइट हैं वो पसंद नहीं करते हैं। द पोइट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ। द पेमेंट्स आर डल एंड ग्रे, ये एक आपका फ्रेज गिवन है।
जिसका मतलब है, ये फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है। कंट्रास्ट से मतलब सिटी की लाइफ और इनिसफ्री की लाइफ दोनों डिफरेंट है, ये जैसे कलरफुल है या कुछ भी है, यहाँ पीस ऑफ माइंड है, ये फुल ऑफ वरीज है, फुल ऑफ डिसऑर्डर है, और ये बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी और यहाँ पीस ऑफ माइंड है। तो हम बताएंगे द पेमेंट्स आर डल एंड ग्रे, देयर इज क्योज ऑल अराउंड। क्योज का मतलब क्या हो गया, जो स्ट्रेट इस तरह के होता है, जो कन्फ्यूजन से भरे होते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं डिसऑर्डर हो जाता है। तो देयर इज क्योज ऑल अराउंड बट देयर इज नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री, बट देयर इज नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री। समरी लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, द पोएट ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। मतलब जो पोएट है वो ड्रीम सपना देखते हैं किस तरह का, कि वो जो बिजी स्ट्रीट है लंदन की, जहाँ पर रहते हैं बिजी है बहुत ज़्यादा, उससे बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। ही रिमेंबर्स, वो याद करते हैं इनिसफ्री एज अ परफेक्ट लिटिल आईलैंड दैट फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स। वो मतलब इनिसफ्री को क्या कहते हैं, परफेक्ट छोटा सा आईलैंड है जो उनकी सारी डिज़ायर, सारी चीज़ों को, उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करता है। द पोएट डिक्लेयर्स दैट ही विल अराइज एंड गो टू इनिसफ्री। पोएट मतलब घोषणा करता है, कहते हैं कि वो उठेंगे और जाएंगे इनिसफ्री, वेर ही विल बिल्ड अ स्मॉल कैबिन, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल कैबिन बनाएंगे ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड। ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड क्वेश्चन, ये ऑप्शन के लिए भी आ सकते हैं कि वो स्मॉल कैबिन किस चीज़ का बनाएंगे, ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड। ही वॉन्ट्स टू लिव द कंट्री लाइफ टू गेट अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ। वो कंट्री लाइफ जीना चाहते हैं और फास्ट लाइफ, जो बिजी लाइफ है, उसको छोड़ना चाहते हैं। इसके आगे हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, लाइफ इन द सिटी इज डल कॉन्क्रीट एंड ग्रे वाइल लाइफ एट इनिसफ्री इज ब्यूटिफुल लेवली एंड मीनिंगफुल। जो लाइफ है सिटी में वो डल है, कॉन्क्रीट है, ग्रे है, जबकि जो लाइफ है इनिसफ्री में वो ब्यूटिफुल है, लाइवली है एंड मीनिंगफुल भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।